नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक नॉलेज चैनल में। आज हम आपको मोती रत्न के बारे में बताएंगे। आज का ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारे चैनल के नए नए अपडेट्स मिलते रहें। सादगी, पवित्रता और कोमलता की निशानी माने जाने वाला मोती एक चमत्कारिक ज्योतिषीय रत्न माना जाता है। इसे मुक्ता, शीशा रत्न और पर्ल के नाम से भी जाना जाता है। मोती सिर्फ एक रंग का ही नहीं बल्कि गुलाबी, लाल, हल्के पीले रंग का भी पाया जाता है। मोती समुद्र के भीतर स्थित घोंगे नामक कीट में पाए जाते हैं। मोती के तथ्य। मोती के बारे में बताया जाता है कि यह रत्न बाकी रत्नों से कम समय तक ही चलता है, क्योंकि यह रत्न रूखेपन, नमी तथा एसिड से अधिक प्रभावित हो जाते हैं। प्राचीन काल में मोती को सुंदरता निखारने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता था तथा इसे शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। कर्क राशि के जातकों के लिए मोती धारण करना अत्यधिक लाभकारी माना जाता है। चंद्रमा से जनित बीमारियों और पीड़ा की शांति के लिए मोती धारण करना लाभदायक माना जाता है। मोती के फायदे। मोती धारण करने से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। जो जातक मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं उन्हें मोती को धारण करना चाहिए। जिन लोगों को अपनी राशि ना पता हो या कुंडली ना हो वह भी मोती धारण कर सकते हैं। स्वास्थ्य में मोती का लाभ। मानसिक शांति, अनिद्रा आदि की पीड़ा से मोती बेहद लाभदायक माना जाता है। नेत्र रोग तथा गर्भाशय जैसी समस्याओं से बचने के लिए भी मोती धारण किया जाता है। मोती हृदय संबंधित रोगों के लिए भी अच्छा माना जाता है। कैसे धारण करें मोती? ज्योतिषानुसार मोती सोमवार के दिन धारण करना शुभ होता है। मोती धारण करते समय चंद्रमा का ध्यान और उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए। चंद्रमा मंत्र है ओम सौ सौम्य नमः। चांदी की अंगूठी में मोती धारण करना अत्यधिक श्रेष्ठ माना जाता है। मोती के उपरत्न। मान्यता है कि मोती नहीं खरीद पाने की स्थिति में जातक मूनस्टोन, सफ़ेद मूंगा या ओपल भी पहन सकते हैं। किसी भी रत्न को धारण करने से पहले रत्न ज्योतिषी की सलाह अवश्य ले लेनी चाहिए। ये थी जानकारी मोती रत्न के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।